भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कदाकिन 68 वर्ष के थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन का निधन हो गया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। स्वरूप ने कहा कि हमने कदाकिन के रूप में एक मूल्यवान दोस्त खो दिया, जिन्होंने एक विशिष्ट रूसी राजदूत के रूप में वर्षों से भारत रूस संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। कदाकिन 2009 से भारत में रूस के राजदूत थे। वे अलग अलग समय में करीब 25 वर्षों तक भारत में रूस के राजदूत रहे। कदाकिन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, उन्हें कई छोटी बड़ी बीमारियां भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कदाकिन के निधन से दुखी हूं, वह एक प्रशंसनीय राजदूत, भारत के महान दोस्त और हिंदी के अच्छे वक्ता थे, जिन्होंने भारत रूस संबंधों को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया। धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाले रूसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन अब हमारे बीच नहीं हैं। दिल्ली में रूसी दूतावास में शोक का माहौल है और उनके पार्थिव शरीर को उनके देश रूस भेजने की तैयारी चल रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।